हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। बच्चों, आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं आपके होने वाले एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10 का, जो कि मैट्रिक का एग्ज़ाम भी हम लोग कहते हैं, 2021-22 का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। टोटल 15 सवाल हम फिजिक्स से आपको बताने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है साइंस में फिजिक्स से। ठीक है, फिजिक्स का हम लोग यानी भौतिकी का हम लोग 15 क्वेश्चन आपको बताएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, 15 सवाल को गौर से देख लीजिए आप लोग, समझ लीजिए आप लोग, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, इससे होगा ये कि इसके अगले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारा जो पहला सवाल है फिजिक्स का, ध्यान से देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखना है। ठीक है, आपको ये सवाल पूछा जा सकता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को, तो आप इसको जो है बढ़िया से याद कर लेंगे और देख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारा, वास्तविक एवं अभिसारी लेंस। ठीक है, यह आभासी होगा, आभासी लेंस, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है आपको बताना है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 भी। क्वेश्चन नंबर 3 में है बच्चों हमारा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है बताना है। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखना है, यानी इन दोनों दर्पणों का क्या करना है आपको, दो उपयोग लिखना है, दो अवतल दर्पण का दो उपयोग लिखना है और उत्तल दर्पण का भी दो उपयोग आपको लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट पांचवा सवाल है हमारा, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग जो है वो क्यों होता है आपको बताना है। ठीक है, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको अपने आप में देखना है कि आपको कितने सवाल इसमें से आते हैं। अगर आपको इसका आंसर चाहिए बच्चों, इसका उत्तर चाहिए, तो हमें कॉमेंट जरूर कीजिए। इसके उत्तर से रिलेटेड भी अगर आप लोगों का कॉमेंट आएगा सबसे ज़्यादा, तो इसके उत्तर वाली वीडियोज़ भी आपके लिए लाई जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का क्या उपयोग है आपको बताना है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का क्या उपयोग है, इसे बताना है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, आवर्धन से आप क्या समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आवर्धन से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, आवर्धन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है 8 नंबर सवाल को देखिएगा, मोतियाबिंद क्या है, क्या है मोतियाबिंद क्या है आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। ठीक है, दृष्टि दोष देख पा रहे हैं, ये दृष्टि दोष काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं इसका आंसर देना है। नेक्स्ट 10वां सवाल है हमारा, जरा दूरदर्शिता तथा अबंधुकता से आप क्या समझते हैं। तो जरा दूरदर्शिता तथा अबंधुकता से आप क्या समझते हैं, इसे भी आप देख लेंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखें, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा आपको लिखना है। नेक्स्ट है हमारा, एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर बताना है आपको, क्या करना है बच्चों, एमीटर और वोल्ट मीटर में आपको क्या करना है, अंतर बताना है। तो हमारा अगला सवाल आप ध्यान से देख पा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर है, 13 नंबर सवाल को देखिएगा, विद्युत चुंबक एवं अस्थायी चुंबक में अंतर लिखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसे भी देख लेंगे आप। 14 नंबर सवाल है हमारा कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आपको लिखना है। ठीक है, क्या करना है बच्चों, विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखना है, जो कि आपके इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट है हमारा, प्रतिरोधकता क्या है और इसका मात्रक क्या है। ये 15 सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए, तो आप इन 15 सवालों का प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये आपका काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मिलेंगे हम अपने अगले क्लास में। थैंक यू।